स्टूडेंट मायसेल्फ डॉक्टर मुकेश शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर टू इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्या के अंतर्गत टॉपिक डिवोर्स तलाक विषय पर चार महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे विवेचन करेंगे अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन परिचय। सेकंड पॉइंट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तीसरा पॉइंट वर्ड ऑफ मैरिज विवाह संबंध की समाप्ति। और फोर्थ पॉइंट जुडिशियल सेपरेशन अर्थात न्यायिक पृथककरण। चार महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही तलाक या विवाह विच्छेद कहलाती है। तलाक या विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। जब वैवाहिक जीवन मैरिटल लाइफ में असामंजस्य हो जाता है पति पत्नी के बीच में, तो विवाह विच्छेद की परिस्थिति उत्पन्न होती है। यह जीवन में विश्वास की समाप्ति प्रतिज्ञा एवं मोह भंग की स्थिति है। तलाक एक वैधानिक पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या भी है। हिंदुओं में स्त्री के लिए पतिव्रत तथा सतीत्व के पालन की बात कही गई है, अतः स्त्री द्वारा पति को त्यागने की कल्पना नहीं की जा सकती और ऐसा करना उसके लिए सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित माना गया। यद्यपि वैदिक पीरियड में विवाह विच्छेद के उदाहरण मिलते हैं और विवाह विच्छेद की प्रथा थी, किंतु ईसा काल के प्रारंभ से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को अधार्मिक अपवित्र एवं घृणित कार्य समझा जाने लगा और उसके बाद तो विवाह विच्छेद लगभग समाप्त ही हो गए। विवाह विच्छेद की समस्या का संबंध हिंदुओं की उच्च जातियों से ही है। निम्न जातियों में तो आज भी विवाह विच्छेद होते हैं। हिंदू में पुरुषों को तो विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी गई है किंतु स्त्रियों को नहीं। इस कारण समाज में पुरुषों की प्रधानता अर्थात पुरुष प्रधान समाज एवं स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति सोशल स्टेटस है। यद्यपि भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात एवं केरल में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे हैं, किंतु संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में विवाह से संबंधित दो अधिनियम बने हैं। पहला 1954 में उसका नाम है विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट, तथा दूसरा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का प्रोविजन है, प्रावधान है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में निवास करने वाले हिंदू जिनमें जैन बौद्ध सिख भी सम्मिलित है, हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया, किंतु यह अधिनियम अनुसूचित जाति जनजातियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के द्वारा
विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू किया गया। इस अधिनियम में, इस एक्ट में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है। सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण अर्थात जुडिशियल सेपरेशन, तलाक, विवाह की समाप्ति आदि के प्रावधान प्रोविजंस किए गए हैं। इसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन भी किए गए हैं। इसमें दी गई विवाह विच्छेद तलाक संबंधी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। विवाह संबंध की समाप्ति अर्थात वॉयड ऑफ मैरिज कुछ दशाओं में विवाह होने पर भी उसे रद्द किया जा सकता है, जैसे विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो और उसे तलाक नहीं हुआ हो। दूसरा, विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। तीसरा, विवाह के समय कोई भी एक पक्ष पागल हो। फोर्थ पॉइंट है, विवाह के समय एक वर्ष के अंदर ये प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई थी। और पांचवा पॉइंट है विवाह संबंध की समाप्ति के संबंध में, विवाह के एक वर्ष के भीतर ये प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है न्यायिक पृथक्करण अर्थात जुडिशियल सेपरेशन। इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है, जिसे न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। यदि पृथक रहकर मतभेदों को दोनों अर्थात दोनों पक्षों के मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार इस प्रकार हैं। पहला, बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। दूसरा, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो। तीसरा है, प्रार्थना पत्र देने के बाद 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य रोग, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। फोर्थ पॉइंट, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से पागल हो, दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो। छठवां, यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो, यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं अर्थात दोनों पक्ष सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। विवाह विच्छेद के आधार, तलाक जब होता है दोनों पक्षों में तो उसके क्या आधार न्यायालय में अवलोकन किया जाता है वो इस प्रकार है। निम्नांकित आधारों पर न्यायालय विवाह विच्छेद की स्वीकृति प्रदान करता है, जैसे पहला, दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो, दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो और हिंदू ने रह गया हो, दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ या संक्रामक रोग से पीड़ित हो, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, पिछले 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में कोई सूचना नहीं हो, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुनः सेवास में किया हो, दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना हो जाने के 1 वर्ष बाद तक उस पर अमल नहीं किया हो,
और नेक्स्ट पॉइंट है पति।